हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो यह है 31 अगस्त का वीडियो और मैं गई हुई थी वाणी को स्कूल से लेने के लिए। सिंपल ही आपने बेटा। वाणी नमस्ते। नमस्ते। इन्होंने बनाना नहीं खाया है। खाना वैसे खाया है आज? मैंने बनाना भी, गोभी पराठा भी, गुआवा भी दिया था, बनाना भी दिया था, पकौड़ी भी दी थी, सब फिनिश किया आपने बेटा। चलो बाय कर दो। बाय। आ जाओ आ जाओ। मैं स्कूटी नहीं लाई आज, वॉक करके चलेंगे। स्कूटी ना दादू ले गए, पापा ले गए, ठीक है? है तो गाइस, यहाँ पे बना रहे हैं वानी के चाचू चाप। उनको चाप बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो चाप बना रहे हैं। और यहाँ पे सारा पेस्ट तैयार कर लिया है, सब कुछ सामान तैयार कर लिया है। और यहाँ पे देखिए हमारे घर कौन आया है गाइस। तो फाइनली जितना हम वेट कर रहे थे हमारे घर आ गए हमारे पप्पा जी। तो वानी की बुआ लेके आए हैं पप्पा जी को, और इनका हम जोर तोर से बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे आने का। तो आ गए हैं हमारे घर, उनके साथ में सारा सामान आया है, पूजा की सब सामग्री आई है, सारी चीज़ें आ गई हैं। और हम लग गए हैं सफाई करने के लिए रूम की, उसके साथ साथ हम तैयारी कर रहे हैं और उनको स्थापित करने की, और रूम हम डेकोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे वानी की बुआ की फ्रेंड जो है हेल्प कर रही हैं। और मोमोज़ वोमोज़ लेके आ गए थे तो हमने मोमोज़ खा ली सबने। और यहाँ पे हम लोग कर्टन्स वर्टन्स लगाएंगे, कर्टन्स लगाने के साथ साथ उसमें लाइटिंग थोड़ी सी लगा देंगे। और ये है नारियल, और यहाँ पे फूल माला है और मोदक हैं। तो बर्तन वर्तन मैंने सब साफ़ करके रख दिए थे, क्योंकि कल तैयारी जो रहेगी वो सिर्फ हमें स्थापित करने की तैयारी रह जाएगी, बाकी डेकोरेशन हम थोड़ी आज ही करके रख लेंगे। और यहाँ पे मैंने बर्तन वर्तन सब धो के रख दिए हैं, और उसके साथ साथ हम कल ही भगवान जी को यहाँ पे स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे वाणी भी खेल रही थी। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है और हम लोग सब नहा धो लिए हैं सुबह मॉर्निंग में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे गाइस। तो आज है गणेश चतुर्थी, तो मैं अपने सभी बहन भाई, अपने सारी फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल माय फ्रेंड्स। गाइस, आज के दिन आपके लिए बहुत शुभ हो, बहुत मंगलमय हो और बहुत खुशहाल भरा हो। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी। उसके बाद से गाइस यहाँ पे चल रही है हलवा बनाने की तैयारी। तो पापा जी को भोग लगाने के लिए हम लोग बना रहे हैं हलवा, और खाने में सिंपली हम दाल चावल ही बना रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं बना रहे हैं। क्योंकि एक तो बिना प्याज का खाना बनाना है, तो इसलिए दाल चावल सबका मन था हल्का खाने का। और यहाँ पे भोग के लिए उनको सूजी का हलवा बनाया जा रहा है, तो वो ही बन के पूरा रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। और भोग के लिए उनको पंचामृत और पंच भोग जो थे वो भी तैयार कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने पापा जी को नाश्ता दे दिया है, वो चले जाएंगे शॉप पे नाश्ता करके। उसके साथ साथ यहाँ पे पंच जो उनका पंच भोग था वो तैयार कर दिया, ड्राई फ्रूट्स का सब। और यहाँ पे चावल वावल उनको नीचे, उनको जब स्थापित करेंगे उसके नीचे उनको बिछा देंगे, लगा देंगे, उसके साथ में उनको वहाँ पर बिठाया जाएगा। और यहाँ पर पानी वानी से उनको यहाँ पर नारियल और यहाँ पर पान सुपारी सब कुछ उनके साथ में रखा जाएगा। गणपति बाप्पा मारिया, मंगल मूर्ति मारिया। अरे पापा को स्थापित कर दो अपनी जगह। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गणपति बाप्पा लग रहे हैं ना? क्या करो, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो अब यहाँ पे हो रहा है बप्पा जी का श्रृंगार, और उनको सारा श्रृंगार किया जा रहा है। उनको यहाँ जनेऊ पहनाया गया था, इत्र लगाया गया था, और जितने पान सुपारी और घास और उनको कमल का फूल सब उनको यहाँ पे चढ़ाया गया था। और यहाँ पे पुष्प माला सब उनको चढ़ा दिया था उसके साथ। और यहाँ पे उनको भोग लगाएंगे, पंच भोग यहाँ पे तैयार कर दिया था उनका, और यहाँ पे पंचामृत भी उनको बना दिया था। तो यहाँ सब वही तैयारी हो रही है।
उसके बाद से हमारे पापा जी पूरे तैयार हो गए हैं और हम लोग लग गए हैं उनकी पूजा पाठ करने के लिए। तो पूरे श्रद्धा भाव से उनकी हम आरती पूजा पाठ करेंगे सब मिलके। तो यहाँ पे हम लोग पूजा वूजा कर रहे हैं सब आपस में और यहाँ पे कलावा वलावा एक दूसरे को बांध रहे हैं। तो यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है, उसके साथ साथ में आरती भी करेंगे और यहाँ पे जितना भी भोग तैयार हुआ है और मोदक है भगवान जी के, वो सब उनको भोग के रूप में उनको खिलाएंगे और उनको भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे जितनी लौंग वोंग होती है, कपूर होता है, वो यहाँ पे हम लोग चढ़ा रहे हैं भगवान जी को। तो सबके नाम के यहाँ पे चढ़ा देते हैं। और वाणी यहाँ पे कर रही थी गणपति बापा मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या, तो वो बार बार यही बोल रही थी। तो इस दिन को वो भी अच्छे से समझ रही थी, हाँ बापा जी की हम यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी कर रही हैं गाज खोलने की तैयारी। तो मम्मी यहाँ पे बना रही है मीठी पूड़ियाँ और यहाँ पे मम्मी ने मीठा पानी तैयार कर लिया है गुड़ और शक्कर का। उसके साथ में मम्मी ने ड्राई फ्रूट सब यहाँ पे काट के रख लेंगी और यहाँ पे आटा वाटा लगा लेंगी और इसमें घी डाल दिया है मम्मी ने। और मेरे यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे धोने के लिए, तो वो भी मैं धो लूँगी। और यहाँ पे वाणी ने रूम गंदा किया था, पहले मैं उसे साफ करूँगी। और गाज माता की पूजा मम्मी कह रही थी पहले कर लेते हैं, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था, उससे पहले हमारा फास्ट था एक तरह से। तो यहाँ पे सब पूड़ी उड़ी बन के तैयार हो गए हैं और मैं और मम्मी यहाँ पे कथा पढ़ रहे हैं बैठ के। और गाज माता की जो ये कथा होती है और ये जो पूजा होती है, हमारे घर की सुख शांति समृद्धि और उन्नति के लिए ही की जाती है एक तरह से। और आपका घर में सुख शांति बनी रहे, उन्नति बनी रहे, धन की वृद्धि हो। तो ये गाज वाज खोलने के बाद में मैं और मम्मी यहाँ कथा पढ़ रहे थे और यहाँ पे पूजा वूजा हमने कर ली थी। पूजा अर्चना करने के बाद में हम लोगों ने अपना व्रत खोला, हम लोगों ने फिर कुछ खाया पिया और यहाँ पे फिर बने हुए थे दाल चावल, तो वो भी हमने खा लिए थे। और यहाँ पे गौरव भी आए हुए थे खाना पीना खाने के लिए, तो वो चले गए थे दोबारा से ऑफिस, क्योंकि आज उनकी क्लोजिंग भी थी। और यहाँ पे मैंने जो कपड़े धोए थे तो उनकी मैं यहाँ पे तवा बना के रख लूँगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ इवनिंग की चाय, तो इवनिंग की चाय सबसे पहले मैं बप्पा जी को ही भोग लगवाऊंगी, क्योंकि वो हमारे घर के मेहमान हैं। तो अपने खाने से पहले हम सबको कुछ जो उनको ही देंगे, उनको अर्पित करेंगे। तो उनको मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया है चाय का, उसके बाद से ही हम लोग कुछ अपने ग्रहण करेंगे। और यहाँ पे मंगाया है मेरे को, आया हुआ है कुरियर, और ये सूट मैंने मम्मी के लिए ऑर्डर करा है। तो ये है एक तरह से प्रिंटेड और जयपुरी स्टाइल में है ये सूट, और इसका मतलब कपड़ा बहुत अच्छा था, बहुत ही एकदम सॉफ्ट एंड सिल्क था। उसका दुपट्टे से वाणी खेल रही है गाइस। तो गाइस ये ब्लॉग मैं अपना यहीं पे एंड करती हूँ और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। कमेंट करके बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है और आपको ये गणपति ब्लॉग कैसा लगता है। और वाणी भी आ गई है बीच में। तो गाइस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस, लव यू।